खरगोन जिले के ग्राम बरूड़ में सामुदायिक भवन निर्माण में लापरवाही बरतने और भ्रष्टाचार होने की बात पर रहवासियों ने मोर्चा खोला और जिला कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। हम आपको बता दें कि ग्राम पंचायत के द्वारा 10 लाख रुपए का भवन तैयार किया गया है, जिसमें पंचायत के पूर्व सचिव और वर्तमान सरपंच द्वारा भ्रष्टाचार करने की बात उजागर हुई है। इस दौरान विशेष समुदाय के लोगों द्वारा सूचना के अधिकार के तहत वर्तमान सचिव से जानकारी मांगने पर यह स्पष्ट हुआ है कि पूर्व सचिव द्वारा भवन निर्माण में बिना सील साइन के लाखों रुपए की राशि का दोहन किया गया है, जिसकी निष्पक्ष जाँच की जाए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सांसद निधि से हमारे अम्बेडकर समाज को 10 लाख का भवन दिया गया था, उसमें कुछ सचिवों द्वारा पैसे निकाल कर खा गए। क्या है मामला? ये पूरा मामला यही, उसके बारे में हम सचिवों के खिलाफ कलेक्टर महोदय से शिकायत करने आए हैं। हमारे समाज में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार वो लोग फैला रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ दंडनात्मक कार्रवाई की जाए। क्या निर्माण क्या हुआ है? निर्माण भवन का निर्माण हुआ है, सामुदायिक भवन का निर्माण अम्बेडकर समाज का। किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ उसमें? उसमें लाइट है नहीं, पंखे है नहीं, सारी चीज़ें कहीं नहीं है उसमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय निहले है। हम बरूड के अंबेडकर समाज से हमारे मांगलिक भवन निर्माण जो किया था गवर्नमेंट द्वारा 10 लाख रुपए की लागत से, वो निर्माण कार्य हमारा आज तक अधूरा पड़ा है। हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारे भवन में न नल जल व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है, न किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और राशियाँ पूरी हरण कर ली गई है। इसमें 10 लाख की लागत से जो भवन निर्माण कार्य किया था उसमें 7,33,000 रुपए के बिल वाउचर लगे हुए हैं और 1,29,250 रुपए के जो बिल वाउचर लगे उसमें न सरपंच सचिव की सिग्नेचर है, न किसी कर्मचारी की सिग्नेचर है और वाउचर फाइल में बगैर सिग्नेचर के वाउचर फाइल करके राशि आहरण पूरी कर ली है और कार्य हमारा अधूरा पड़ा है। हमारा निर्माण कार्य किया जाए और जिन्होंने राशि निकाल के उसका दुरुपयोग किया है उनके खिलाफ कठोर दंडनात्मक कार्रवाई कर उनको जेल भिजवाया जाए। क्या नाम है आपका? जगदीश खंडे, टाणा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।